क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आप मैथ्स के 3-4 पेज के सॉल्यूशंस सिर्फ 1 सेकंड में पूरा कर पाते तो, और पलक झपकते ही अगर कंप्यूटर बना लेते तो, और दुनिया का कोई भी काम कुछ ही सेकंड्स में पूरा कर लेते तो, तब हमारे इस मनुष्य जाति के लिए कितना अच्छा होता। और ये सब करने के लिए हमारा दिमाग का सबसे ज़्यादा मजबूत होना ज़रूरी है। इसलिए क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम अपने दिमाग का 100% हिस्सा यूज़ करें तो क्या होगा, और क्या ये संभव है? तो आज मैं आपको हमारे दिमाग के बारे में कुछ मज़ेदार बातें बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर के वजन का 3% हिस्सा है, फिर भी ये शरीर की 20% एनर्जी का उपयोग करता है। अगर हमारा मस्तिष्क सिर्फ कोई भी एक काम करने में ध्यान दे तो इसके लिए उसे अधिक ब्लड सर्कुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर ऐसा होता है तो हमारे शरीर के दूसरे अंगों तक खून नहीं पहुँच पाएगा। इसीलिए हमारे मस्तिष्क का अधिकांश भाग एक्टिव रहता है। तो चलिए अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। समझिए कि आप एक वीडियो देख रहे हैं और उस समय आपका मस्तिष्क शरीर के लिए कई अन्य कार्य भी करता है, जैसे कि आपके फेफड़ों को सांस लेते हुए अपने दिल की धड़कन को बनाए रखना, वीडियो को देखने में आपकी मदद करना, या आपके भोजन को पचाने में आपकी मदद करना। इसीलिए कई वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके ये पता लगाया है कि शायद आपके मस्तिष्क का केवल 10% ही उस वीडियो को देखने पर ध्यान केंद्रित कर रहा होगा, जबकि बाकी का 90% आपके शरीर की दूसरे प्रक्रियाओं को करने में व्यस्त होगा। ये माना जाता है कि हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा ही यूज़ करते हैं, लेकिन ये बात आधी झूठी और आधी सच्ची है। इस 10% मिथ का एकमात्र सच ये है कि हमारे मस्तिष्क में 10% न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि हमें पढ़ने में या कुछ चीज़ याद करने में मदद करती है, और हमारे मस्तिष्क का बाकी का 90% हिस्सा ग्लियल नाम के सेल्स या कोशिकाओं से बना हुआ है, जो कि एक सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम करता है। इससे हमें ये पता चलता है कि देखा जाए तो हम अपने दिमाग का 100% यूज़ करते हैं, 10% हम IQ में यूज़ करते हैं, और 90% हमारे बाकी के बॉडी के कार्यों में यूज़ होता है। क्या आपको पता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने दिमाग का 13% यूज़ किया था, यानी कि अपने IQ का 13% यूज़ किया था, जो कि एक आम इंसान से 3% ज़्यादा है। तो चलिए अब जानते हैं कि क्यों कुछ लोग को समझदार होते हैं दूसरे से। जैसा कि हमें पता है कि आइंस्टाइन एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। एक बार कुछ साइंटिस्ट ने सोचा कि वो इतने बुद्धिमान कैसे हैं। तब उन्होंने उनकी दिमाग की जांच की। जांच में पहले तो ये पता चलता है कि आइंस्टाइन और एक आम इंसान के दिमाग में न्यूरॉन्स में ज़्यादा फर्क नहीं है। तब साइंटिस्ट बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, लेकिन उसके बाद एक साइंटिस्ट ने एक थ्योरी सामने रखी, जिससे ये साफ हो गया कि वो दूसरों से स्मार्ट या समझदार क्यों थे। उनके थ्योरी के मुताबिक आइंस्टाइन के दिमाग में न्यूरोक्लिया का रेशियो न्यूरॉन से ज़्यादा था। लेकिन ये न्यूरोक्लिया असल में होता क्या है? असल में न्यूरोक्लिया दिमाग की नॉन न्यूरोनियल कोशिकाएं होती है, जो कि न्यूरॉन्स की आयनिक संतुलन में सुरक्षा इंसुलेट करने में मदद करती है। वे न्यूरॉन्स की संख्या से 3 गुना अधिक है। न्यूरोक्लिया की बढ़ी हुई संख्या स्वाभाविक रूप से उनके लिए एक महत्वपूर्ण कार्य की परिकल्पना करती है। इससे हमें यह साफ पता चलता है कि कुछ लोग दूसरे से स्मार्ट क्यों होते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि अपने मस्तिष्क के छिपी क्षमता को
कैसे अनलॉक करें। तकनीकी रूप से ये कहना संभव है कि किसी एक गतिविधि के लिए हमारा मस्तिष्क का 100% उपयोग करना संभव नहीं है, लेकिन एक तथ्य यह भी है कि जिस तरह से हम मांसपेशियों की प्रशिक्षण से अपनी ताकत बढ़ाते हैं, उसी तरह से ऐसे तरीके भी हैं जिनसे हम अपने दिमाग के प्रतिशत को अधिक अनलॉक या उपयोग कर सकते हैं। आपके मस्तिष्क की क्षमताओं का विस्तार आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने और नई चीज़ों के लिए खुद को चुनौती देने से किया जा सकता है। आपके दिमाग का एक बड़ा हिस्सा अनलॉक करने की कोशिश करने के लिए कुछ कदम हैं। प्रकृति के साथ कुछ समय बिताएं, इससे आपको अपने मस्तिष्क को उत्तेजित करने में मदद मिलती है। उसके बाद कुछ कठिन चीज़ों का प्रयास करें। वैज्ञानिकों ने पाया है कि आपके मस्तिष्क को कुछ विशेष रूप से कठिन और कठोर खेलों में उलझा देना और या एक कठिन पुस्तक पढ़ना, जिससे आपके मस्तिष्क का इंटेलिजेंस या आईक्यू लेवल बढ़ाने में मदद मिलती है। हमेशा नई नई चीज़ों का ट्राई करें। समझिए, अगर आप किसी भी एक कार्य में एकदम परफेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद ही आपको दूसरा नया कार्य सीखना चाहिए। झपकी लेना, ये पता चला है कि छोटी झपकी आपके संज्ञान को बढ़ावा दे सकती है, जो आपके मस्तिष्क के कार्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। स्वस्थ दिनचर्या, स्वस्थ संतुलित आहार, पूरी रात की नींद, तंबाकू के सेवन से बचना भी ऐसे कुछ कार्य है जो मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाने में मदद करते हैं। समझिए, अगर आपने अपने दिमाग के आईक्यू लेवल का 100% यूज़ कर लिया, तो शायद आप मैथ्स के कोई भी प्रॉब्लम्स पलक झपकते सॉल्व कर ले, या फिर एलियंस की तरह बड़े बड़े स्पेसशिप बना पाए, या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी चीज़ को कंट्रोल कर पाए। लेकिन हमारे दिमाग के आईक्यू का 100% यूज़ करना देखा जाए तो संभव नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और शायद उतनी एनर्जी को हम सह भी ना पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक ज़रूर करें, और आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल स्टोरीज एंड मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे वीडियोस की हर लेटेस्ट अपडेट आप तक समय पर पहुँचे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।